आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के इतिहास शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद के अंदर ये जादव मंडी है। तमाम दर्शकों को बता दूं, ये वही जादव मंडी है जहां से छोटे छोटे व्यापारी पूरे शहर के अंदर भाजी तरकारी बेचते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अप्पे लोडिंग रिक्शा जहाँ से माल सप्लाई होता है, उन्होंने अचानक एक हड़ताल कर दी है और पूरे आवाजाही पूरी रुक गई है। चलिए पूरे विस्तार से जानकारी लेते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मामला क्या है, उसकी पूरी मांग क्या है। क्या कहेंगे, आज हड़ताल है, आज लोग बहुत, जनता भी परेशान है, आप भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आज गाड़ी वालों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उसके बाद में ये जो रिक्शा वाले हैं, पाँच पाँच दिन इन लोग का बोनी तगत नहीं होती, इस हिसाब से यहाँ पे आंदोलन छेड़ा है। और ये हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है, क्या शांतिपूर्वक आंदोलन है, इसमें किसी को हमें तकलीफ नहीं देना चाहते, मगर हमारी तकलीफ को भी सबने सोचना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे 2-4 लाख रुपए की गाड़ी लेके यहाँ मार्केट के भरोसे पे बैठे हैं और बाहर की जो रिक्शा आती है और आके लोड लेके चले जाती है, हम लोग क्या करना। ये भूखमरी के हिसाब से हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत आंदोलन छेड़ा है। बाजार कमेटी के अध्यक्ष से कोई बात हुई तुम्हारी? अभी तक बात नहीं हुई, आई नहीं अभी तक। आगे अगर आपका समाधान निकलता तो आपका अगला कदम क्या रहेगा लोकशाही मार्च से? लोकशाही मार्च से शांतिपूर्वक ही आंदोलन करेंगे हम, हमारी तो मांगे पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर जैसा फिर भी है, अभी बातचीत करने के बाद उनका जो भी मसला, अगर बातचीत से कोई हल ना निकले तो आगे का क्या स्टेप है? आगे का भी हमारे जो अध्यक्ष साहब है वो तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ के जो आपका नाम बोलिए, आपका नाम बात बोल दीजिए। सैयद इस्माइल सैयद रज़ाक, महाराष्ट्र अध्यक्ष AITDH। कहेंगे आज सुबह से रिक्शे वाले परेशान हैं, इसके बारे में कहेंगे, हड़ताल क्यों की आपने? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं महाराष्ट्र सेक्रेटरी होने के नाते से सब जितने भी आप मीडिया वाले हैं, सबसे पहले तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता, क्योंकि जितना आप मार्केट में ये चीज़ को दिखाएंगे, क्योंकि अंदर की बातें, अंदर की तकलीफ जो सिर्फ ये लोग ही जानते हैं, जो आज 4-4, 5-5 लाख रुपए की गाड़ियाँ लेके यहाँ पर खड़े हैं, ये इनके इंस्टॉलमेंट ही होते हैं। अभी तो बारिश का मौसम है, इसके अंदर इनका कोई सीजन भी नहीं रहता है, तो ज़रूरी ये लोग है कि ये हर डिपार्टमेंट के हद तक, ये गरीब लोग हैं, ये किसी के पास फिर जा नहीं सकते, क्योंकि इनको इनका दुख और दर्द ये खुद और एक यूनियन ही जान सकती है कि भाई किस तरीके से इनको तकलीफ होती है। तो मैं सबसे पहले तो महाराष्ट्र का हमारे प्रेसिडेंट और हमारे जिलाध्यक्ष वजीर साहब, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमको इन लोगों के साथ पूरे शिद्दत के साथ खड़े ना है, भले फिर ये कमेटी ये मार्केट बंद क्यों ना करना पड़े, आगे हम इसके साथ में पूरे पब्लिक के साथ हम खड़े रहेंगे। और यहाँ का जो अपना यहाँ के अपने यूनियन अपने जो मार्केट कमेटी के अध्यक्ष है, मैं इनको खुले तौर पर चैलेंज कर रहा हूँ, सर आपकी सियासी पार्टी आपकी जगह पर है, लेकिन इन लोगों के दर्द और तकलीफ का अगर आपको एहसास होगा तो आप इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और दूसरी बात, पुलिस डिपार्टमेंट तो पावती देने में एक नंबर की मशगूल है। मैं खुले तौर पर इलीगल इनके ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूँ कि ये लोगों, ये जो लोडिंग गाड़ी वाले, इसके अंदर ये कुछ सीट और पैसेंजर भर के नहीं चल सकते सब, इनका रोजी रोटी का मामला सिर्फ एक कमिटी पेच होता है। और रिक्शा वालों का जिस तरीके से आप रिक्शा वाले जो बाहर उनका जो बिजनेस है, सीट वगैरह भर के पैसेंजर भर के चला सकते हैं, तो इन लोगों के पेट पर पैर नहीं गिरना चाहिए। और इन लोगों के साथ में पुलिस डिपार्टमेंट हो, प्रशासन हो, यहाँ की कमेटी के जिम्मेदार हो, सब लोगों ने इनके साथ में खड़े रहना चाहिए, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का मामला रहता है। तुम तो 2 पैसे किसी को ब्लैकमेल करके कमा सकते, लेकिन ये गरीब लोग नहीं कर सकते सर। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन लोगों के साथ खड़े रहे, और यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो भी हमारे समझो यूनियन के मेम्बर है, लोडिंग गाड़ी वाले, मैं इनको खुले तौर पर सपोर्ट और समर्थन करते हमारी यूनियन की तरफ से, ऑल इंडिया ट्रकर्स एंड रेल प्लान की तरफ से। जब भी आप लोगों को कोई चीज़ की तकलीफ आएंगी, इंशाल्लाह आप कभी भी 24 घंटे कॉल करिएगा, आपके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। सर एक बात बताइए, एक सवाल है, औरंगाबाद में कई पॉलिटिकल लीडर बड़े बड़े हैं जो दावा करते हैं हम गरीबों को साथ, गरीबों का काम कर रहे हैं, कोई एक पार्टी के बड़े नेता का नाम लेके कह सकते हैं कि आज साहब हमारी मदद के लिए आइए? देखो साहब, इसके अंदर दीगर पार्टियों के लोग भी जुड़े हुए हैं, लेकिन पेट से बढ़ के कोई पार्टी नहीं हो सकती, क्योंकि पेट का और जो भूखमरी का जो दर्द है वो वही बंदा जान सकता है जिसको उसकी चीज़ का गरीबी से निकला हुआ है, जो उसका उसका एहसास है। मैं सबसे पहले एक बात बताता चलो आपको, जो आपने पॉलिटिकल लोगों के बारे में पूछा, ये दर्द और ये तकलीफ ये यूनियन के हद तक ही अभी तक सीमित है। इंशाल्लाह हम आगे चल के भी जो भी लीडर आने, जैसे कि जो भी आप जिस तरीके से आपने सवाल किया कि भाई ये बताते कि हम गरीबों के रहनुमा हैं, ऐसा ज़रूर हम ये लोगों तक जाएंगे,
भले फिर वो एमपी साहब हो, एमएलए हो या फिर कोई भी कॉर्पोरेटर, हर किसी के पास हम जाएंगे और वक्त बताएंगा, वो हमारे साथ हमारे लोगों के साथ खड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं अजहर पटेल, महाराष्ट्र सेक्रेटरी औरंगाबाद। ऑल इंडिया ट्रैकर्स एंड ड्राइवर हेल्पलाइन के तरफ से कृषि उत्पादन बाजार समिति का पूरे गाड़ी लोडिंग रिक्शा का यूनियन अध्यक्ष, मेरा नाम अनवर शेख हमीद है। हमारी मांग ये है कि सीटर रिक्शा के अंदर जो लोड वाहतुक होता, सीटर रिक्शा को परमिशन है 3 सीट की। तुम जो सीटर रिक्शा जो है तो ड्राइवर जो है तो हमारे दुश्मन नहीं है, पर्सनल दुश्मन हमारे नहीं हो, क्योंकि हमारे ड्राइवर भाई एकता है। उनका काम क्या है कि सिर्फ सीट भरना और सीट लेके जाना, वाहतुक नहीं करना। ये कानून के अंदर उनको वाहतुक की परमिशन नहीं है कि वो सीटर वाहतुक अगर कर रहे तो हमारे जितने भी गाड़ी वाले सब उनकी तो भवनी भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही, उनको उपास मरने का टाइम आ गया। बरोबर उनके जो गाड़ी हफ्ते है उनकी गाड़ी भी फेट रही नहीं, क्योंकि माल वाहतुक जो तो कर ले रहे, उनकी परमिशन है ही नहीं उनको। तो मेरे अदबन गुजारिश है सीटर रिक्शा वालों से कि भाई उनका काम वो करे, क्योंकि सीटर लाए और सीटर लग जाए, हमसे उनको कुछ लेना देना नहीं। बस हमारा ये कहना है कि वाहतुक मत करो। आपने इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर साहब या संबंधित पुलिस विभाग से करें? हाँ, सब तीन चार लेटर सब बाजार समिति को देवाए, पुलिस प्रशासन को देवाए, आरटीओ विभाग को देवाए और सभी प्रशासन से हमने लेटर पत्र देवाए। हमारी जब आवाज़ नहीं सुनी तो हमने हमारा आंदोलन का ये मुद्दा उठाया है। किसी पार्टी के नेताओं से संपर्क में आप? नहीं, समर्थन नहीं है, कुछ भी है? नहीं, ऐसा कुछ भी हमारे कोई पार्टी का समर्थन नहीं है। हम दो ड्राइवर एकता यूनियन की तरफ से हमारा आंदोलन है। अरे हमारा आंदोलन जब तक रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। तो यहाँ पर आपके जिम्मेदार कौन है, मतलब? और उसके ऊपर हमारे जिला अध्यक्ष साहब है, हमारे वजीर साहब है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष है इस्माइल भाई। मतलब ये मांग आपकी है किस बाजार समिति से? पुलिस प्रशासन सबसे हमारी मांग ये है कि संपर्क हुआ सुबह? हाँ, संपर्क अपने सचिव साहब से बात हुई। क्या बोले उन्होंने? क्या वो बात करने वाले? अभी पुलिस प्रशासन भी आने वाली, आरटीओ के जो संचालक है वो भी आकर अभी हमसे बात करने वाले। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑल इंडिया ट्रैकर्स एंड ड्राइवर हेल्पलाइन का प्रेसिडेंट औरंगाबाद जिला। ये लोगों की मांग ये है कि भाई ये लोगों को बहुत तकलीफ में थे ये लोग, और ये लोग हमारे पास आए एसोसिएशन के पास, तो एसोसिएशन को इनका दर्द महसूस हुआ क्या भाई हमारे ऊपर अत्याचार होता, तो ये अत्याचार इनके ऊपर नहीं होना बोल के हमने ये आंदोलन को आगे बढ़ाया। हमने प्रशासन को बार बार निवेदन देने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं करे ये लोगों ने, तो ये लोगों को इसके मजबूरन इसके वजह से ये लोगों को ये आंदोलन करना पड़ा। तो अभी आगे की जो है ये लोग हमारी अगर मांगे पूरी करते हैं तो हम ये स्ट्राइक को वापस लेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, सवाल है, आपकी एसोसिएशन है तो अक्सर क्या होता है कि पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनका अपना वर्चस्व होता है, उनका दबाव होता है, तो क्या आपने उनसे किसी पार्टी के लोगों से किया है कि सही अपना आप वोट के टाइम हमारे पास आते हैं, आज हम रोड पे, कुछ ऐसा संपर्क किया आपने? नहीं, पार्टी का अपना कोई मसला भी नहीं है। पार्टी कैसा है वो उनका पब्लिक प्रेशर रहता ना। हाँ, प्रेशर रहता, मगर हमारे ऊपर पार्टी कोई प्रेशर नहीं कर सकती, क्योंकि ये इसको जो है तो लेबर कमिश्नर का और जो गवर्नमेंट रहता है अपना, अच्छा, तो ये गवर्नमेंट के परमिशन के ये इसका रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा। तो हमको कोई दूर दूर तक ये पार्टी वाले से कोई संबंध नहीं रहता है, और पार्टी वाला हमारे को प्रेशर भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम ये मदद नहीं, सहायता बोले तो उनसे हम, उन्होंने दिए तो हम सहायता ले सकते, मगर हम उनको मांग नहीं करते, क्योंकि हमारे पास जितने हमारे लोग हैं ये समर्थन रहते, हमारे को जो भी कुछ सहायता लगती है तो हम हमारे जितने भी लोग हैं तो इनके समर्थन में हमारा काम हो जाता है। ये बोलिए आपकी अपे लोडिंग रिक्शा की संख्या कितनी पूरे पर? ये 200 लोग है। 200 लोग? हाँ, सब टोटल शहर के का? यहाँ नहीं, ये सिर्फ मंडी मार्केट के 200 लोग है। अगर आपकी समस्या हल होती तो हम ये परिवार पे क्या असर जाएगा इसमें? परिवार पे असर, हम जो भी जिसका भी जो नुकसान होगा तो इसके जिम्मेदार सब प्रशासन रहेगा और मार्केट कमेटी रहेंगी। तो ये जो आंदोलन करे हमने तो ये हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो ये लोगों को, मतलब हमारे लोगों को तकलीफ हो रही है ना इसमें, तो इसके लिए हमने ये मुद्दा उठाया। सर, ऐसा ऐसी कौन सी खास बात है कि बाजार कमेटी सामने खड़े हैं, कम से कम के अधिकारी बोलो, जो आपके अध्यक्ष बोलो, उन्होंने आना चाहिए था, इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए आकर क्या कारण है कि आपके मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे? वो इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे सर? कुछ मिली भगत होंगी इनकी। अच्छा, इनकी कुछ मिली भगत होंगी रिक्शा वालों के साथ या कुछ प्रशासन के साथ इनकी मिली भगत होंगी, इसके लिए हमारे को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। हमने इनको बार बार इनको लेटर देने के बाद में भी इन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं करे, तो हमारे को ये मतलब ये मजबूरन हमको ये काम करना पड़ा। ये मजबूरन हमको ये काम करना पड़ा। मैं गप्पे चलाने वाला हूँ सर, मैं यहाँ पर भाड़े मारने के लिए आता हूँ, लेकिन जैसे ही सीटर रिक्शे वाले भाड़े लेकर चले जाते हैं और हम नंबर के ऊपर लगाकर खड़े होते हैं तो हमारे गाड़ी के हफ्ते भी नहीं भरे जाते, हमारे 2 हफ्ते ड्यू हो गए। अब इसके अंदर हमने क्या करना आप बताइए? हमारे सिर्फ यही मांग है मार्केट कमेटी से कि सीटर रिक्शे वालों को सिर्फ इतना बोल के आप सीटों का काम करें और जो लोडिंग काम है वो लोडिंग वालों करने दीजिए, और हमारे तो कोई दुश्मनात नहीं है उनसे, लेकिन हम उनके साथ हैं, लेकिन आपके तरीके से काम करो। जो गवर्नमेंट मान्यता है हम उसके ऊपर हम राजी है, जो गवर्नमेंट मान्यता रहती है, अरे सीटर रिक्शे के अंदर तो गवर्नमेंट मान्यता नहीं है ना कि मालवाहतुक करे, उनका तो सिर्फ एक काम है, आप सीटा बिठाओ लेके जाओ, हम आपको उनको रुकेंगे नहीं, लेकिन आप
ज़्यादा माल तुम कम माल लोड के गाड़ी के अंदर आप ज़्यादा माल लेके जाएंगे तो हम इतने बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर हमने क्या करना, हमने कहाँ जाना बताओ। अब हमारे हम 10 साल से मार्केट में काम करते हैं, 2005 जब से मार्केट यहाँ पर बना है जब से हमारे यहाँ पे चलती है, लेकिन अब हमारा पूरा धंधा बैठ गया है, हमारे हफ्ते नहीं भरे जा रहे, हमने क्या करना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई हैं, भाईचारा रहना चाहिए इंडिया में अपने। अभी ये जो हमारे वजीर भाई हमारे अध्यक्ष है, इन्होंने जो आज आंदोलन छेड़े ही ये इसकी वजह से छेड़े कि रिक्शा वालों को माल नहीं मिल रहा, लोडिंग वालों को माल नहीं मिल रहा, सीटर रिक्शा वाले आके माल लेकर जा रहे हैं यहाँ से। सीटर रिक्शा का काम है बाहर सीटा भरना, यहाँ अंदर नहीं आना चाहिए। जादूवाड़ी में आ रहे वो ये जो लोडिंग रिक्शा वाले लोग हैं अपने सब, इनको काम ही नहीं मिल रहा, इनका काम पूरा वो लेके चले जा रहे, ये रोज़ आ रहे सुबह शाम में वापस घर पे चले जा रहे। वो वजह से हमारे वजीर भाई ने आंदोलन छेड़े और ये होना चाहिए, ये काम हमारा पूरा होना चाहिए आज। अगर यहाँ के जिम्मेदार अगर आपकी मांग तक पूरी नहीं करते किसी कारण से, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा, कहाँ तक जा सकते हैं ब्लॉक के माध्यम से? जो हमारे अध्यक्ष बोलेंगे हम उनका सुनेंगे। सर क्या कहेंगे आज के बारे में? मैं ऑल इंडिया ट्रैकर्स के उपाध्यक्ष के नाते बाबू साहेब दांडेकर बोलता। ये हमारी जो लोडिंग रिक्शा है इनका काम सीटर रिक्शा कर रही, तो हमारा कहना ये है कि भाई सीटर रिक्शा ने सीट ले जा सकती पर माल नहीं ले जाना चाहिए। इसे हमारे जो ड्राइवर लोग आए गोर गरीब आदमी हफ्ते पे गाड़ियाँ ली इन्होंने, इनको इस करके काम नहीं मिल रहा और इनकी जो तो घर की हालांकि बोले तो परिस्थिति खराब है, तो कृपया मेहरबानी ये कि ये बंद हो जाना चाहिए सीटर रिक्शा। इसकी शिकायत आपने आप जिले पे है तो आपने शिकायत की पुलिस कमिश्नर से? कभी किए ना। क्या बातचीत मिला आपको, जवाब क्या मिला? जवाब ही नहीं मिला उधर से, जवाब नहीं। हाँ, हमारे अध्यक्ष साहब गए थे, मिले बात करें ऐसा कुछ हुआ नहीं? नहीं नहीं, अध्यक्ष साहब गए थे हमारे। अच्छा दादा, अक्सर ये होता है कि आप वरिष्ठ करके आपको सवाल कर रहा, मैं उनसे भी किया था आपसे भी कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल लोगों का जो नेता लोग होते हैं हर पार्टी के, उनका भी अपना वर्चस्व से दबाव होता है, उनकी भी एक फोन पे काम होता है। कभी आपने कोई पार्टी किसी भी पार्टी हो उनसे संपर्क किया कि आप मदद कीजिए हमारी? हम पार्टी से संपर्क करेंगे पर हम कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं फिक्स ऐसा। अच्छा नहीं नहीं, फिर भी एक मानवता के नाते मदद के लिए आप किससे कोऑपरेट जैसे कोई आप अपील करेंगे? कोई नेता औरंगाबाद शहर में है जो आपकी मदद कर सके? जरूर करेंगे। कौन सा नेता है, कौन सी पार्टी? MIM के पास हमारे आए थे नेता। अच्छा, इम्तियाज जलील साहब, उनसे भी हुई थी थोड़ी बात, तो अभी और बात करेंगे आज के संबंध? नहीं, आज नहीं करे, आज नहीं करें, अभी करेंगे। देखो, कुछ दिन पहले आपका एक ऑफिस का उद्घाटन था कार्यालय का, उस टाइम पे MIM के कई नेता आपने बुलाए थे। हाँ, तो क्या आपने उनसे मदद ली कुछ? नहीं, गेस्ट के रूप में बुलाए, गेस्ट के रूप में बुलाए थे, और हम मदद जो भी करेंगे उनसे मदद लेंगे हम। अच्छा, हमारे को हमारा काम होना चाहिए। मैं उसका उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ। अच्छा। हमारी मजबूरी ये है भैया कि हमारे अगर सीटर वो अगर बाहर करते तो हमारी सब मजबूरी हट जाती है। अच्छा। इस सीटर से हम 4 महीने से भूखे जा रहे हैं, आ रहे 4-4 दिन हमारी बहुनी नहीं हो रही, और सीटर 300 का भाड़ा 100 में करके जा रही, तो हमारी गाड़ी कौन पूछने वाला? हमारा कहना है कि प्रशासन और मार्केट कमेटी ने हमारे इसमें भागीदारी लेना, क्योंकि हम 30 साल से यहाँ धंधा करते, हमारे कुछ कुछ ऐसे है कि रोज का लाना रोज का खाना है, तो हमारा कहना है कि इतने अगर साथी है, मैंने जोड़ा इतने लोगों को, ये मार्केट कमेटी ने हमारा सुनना, हम इतने दिन से यहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने हमारा सुनना। मेरा कहना है जो भी लोग यहाँ इतनी मजबूरी में है, एक एक घर के दो दो परिवार किसकी दवा खाने का काम रहता है, वो और गाड़ी का हफ्ता है 12-13 हज़ार रुपये, वो कहाँ से कमाएगा? साहब अभी आपने कहा कि 100 रुपये में लिख जा रहे थे। हाँ। पूरा कैसा फिर? अब वो पूरा पर प्रशासन ने उसको 3 सीट का ऑल आउट दिया। अच्छा। तो उसमें लोड ले जाने का RTO खुद बोल रहा ऐसा, RTO आने के बाद में ऐसा खुद बोला RTO ने कि इसमें। अब उनकी क्या मिली भगत है कि क्या है, वो एक दफे आए एक के बाद में आए नहीं, आज कम से कम 1 महीना होते आ रहा बात या 15 दिन हो रहे आए थे एक दिन, हमने बाद में हमारे पे ऑब्जेक्शन उठाए नहीं वो बात का, उसके बाद में हम लेटर गए 50-50 जने जाके लेटर दे के आए, उसके बाद में नहीं सुने। फिर हमने इसका एक मुद्दा रखे कि भाई हमको अब एक ही मुद्दा है हमारा चक्का जाम का, हम गाड़ी भरेंगे नहीं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, जब तक हम गाड़ी हलाएंगे नहीं और भरन भी देने की, कल से हमारा टाइट हो जाएगा। आप तो भी आज चले गई जितनी गाड़ी, कल हम माल नहीं भरन देंगे, कोई भी गाड़ी को नहीं भरन देंगे, हमारी जब तक मांग नहीं होती कल से हम पक्का जाम कर। स्पष्ट मांग क्या है, गाड़ी कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? गाड़ी हमारी पूरी औरंगाबाद में चलती है, आसपास जिले में भी चलती है। वो जो गाड़ी है जिसकी वो गाड़ी, हाँ, गाड़ी कहाँ तक आना चाहिए? सीटर गेट के बाहर रखना हमको, सीटर गेट के बाहर। हाँ, गेट हमारी मांग उतनी हो गई
हम मानने तैयार है, वो गेट के बाहर रहना, गेट के अंदर नहीं आना उन्हें। सीटा ले जाना, मानने ले जाना। सीटा उसको ले जाने को हम मना नहीं कर रहे, उन्हें लोअर डाक भरना नहीं, उसमें अलाउड है 3 सीट और 1 आधी थैली, हम उसको भी नहीं कुछ बोल रहे, पर वो 10-10 डाक बीच बीच डाक ले जा रहे, बीच बीच कैरेट ले जा रहे, तो फिर वो जाने के बाद हमको भाड़ा कहाँ से आएगा, कोई आ रहा नहीं हमको, 2-2 दिन जा रहे, 7 बजे से हम वहाँ आके खड़े थे, 1-2 घंटे खड़े, 3-3 ट्रिपा मार के चल जाते हो, उनके रिटर्न भी मिल जाता उनको। नाम है सैयद इदरीस, मैं यहाँ का टाटा एसी का मैं ड्राइवर हूँ, और यहाँ पे सब ड्राइवर लोग परेशान हैं, इसीलिए परेशान हैं क्योंकि सब रिक्शे वाले आकर जो तो 10-10, 20-20, 15-15 डाक डालकर लेकर चल जा रहे, इसके वजह से इनकी परेशानी हो रही है, इनके घरों का, ये घरों पे भूखे मर रहे, इनके बच्चों के दवाखाने हैं, दारू है, हर चीज़ है, टोटल चीज़ा है, तो ये इसका जिम्मेदार कौन है, जब जो है तो इनके घर का दार जब चलेगा नहीं, सीटर रिक्शे वाले जो है भर भर के लेकर चले जा रहे, ये सीटर रिक्शे वाले जो तो यहाँ से जाने के बाद में सीटा बाहर भी कर सकते, रात में 12 बजे तक भी मार सकते, ट्रिपा मार सकते, पर लोडिंग वाले दोपहर के बाद में क्या करेंगे, दोपहर तक इनकी यहाँ रिक्शा का काम चलता, 2 ट्रिपा मारते 3 ट्रिपा मारते, उसके बाद में उनका कुछ भी नहीं है, वो बाहर जाके ट्रिपा भर सकते नहीं, सीटर भर सकते नहीं, इसके बाद में जो आरटीओ को बोला है, इसके बाद में जो तो यहाँ लेटर दिए पुलिस स्टेशन में, उन्होंने एक दिन आए, एक दिन आकर जो है तो सिर्फ खड़े रहे, थोड़ा बहुत कार्रवाई करे, उसके बाद में ख़त्म हो गया, इनको कितनी बार लेटर दिए, इनको बोले इतने बार अधिकारी को भी, ये भी कोई बात के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे नहीं, फिर इसके वास्ते हमने चक्का जाम करने का सोच लिए, अब हमारी अब तक मांग होगी नहीं, अब तक हम जो तो पीछे हटने वाले नहीं। सर अभी मुझे ये बताइए, आप के जब आप बाजार कमेटी और आप वहाँ जुड़ के काम करते थे, फिर ये बड़े लोग आपके इंटरेस्ट ले रहे क्यों नहीं, आप क्या क्या समझते इसके बाद, कैसा देखते हैं आप? अब वो ये लोडिंग वाले ये ऐसा हल्के में ले ले रहे ना हम लोग को, इसके वास्ते जो तो इंटरेस्ट ले रहे नहीं ना, आज उनको तो हमारी ताकत समझ में आएगी, लगता है कि चक्का जाम करने से असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, बहुत अच्छा अभी असर पड़ गया, अभी अंदर जो तो मार्केट अंदर जितने भी व्यापारी लोग हैं परेशान हो गए, सब माला पड़े हुए हैं, माला खराब होंगे जब उनको समझ में आएगा। शाह कृषि उत्पन्न बाजार समिति का सचिव, हमारा जो मकसद है कि व्यापारियों को परेशान करना है हमारा मकसद नहीं था, ना कोई अड़ते को परेशान करना हमारा मकसद था, ना किसी बाजार समिति का नुकसान करना हमारा मकसद था, हमारा मकसद यह है कि ये पूरे ड्राइवर लोग परेशान है, सीटर रिक्शा लोड वातुक कर रही है, इसलिए ये पूरे ड्राइवर परेशान है, और आज इनको हफ्ते नहीं भरे जा रहे, इसलिए ये दिन रात अभी तक 4 महीने से 6 महीने से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अधिकारी को मिल रहे हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी को मिल रहे हैं, मगर इनकी कोई आवाज़ सुनने को तैयार नहीं था, तो इन्होंने मशवरा करे, और इन्होंने मशवरा करके एक आंदोलन छेड़ने के इनके खिलाफ़ जो आज मुहिम करे, उसका ये आज का पहला दिन है, और अगर ये नींद से नहीं जागते हैं तो इससे बड़ा आंदोलन अब होने वाला है, ये तो एक ट्रायल है, एक एक तो झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। सर अभी आपने कहा है कि पूरा बंद करने वाले हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहना कि कानून के विरुद्ध हो जाएगा? देखो यहाँ सबका पेट का सवाल है, पूरे गाड़िया वाले 6 महीने से लेटर दे रहे हैं सबको, हम कोई प्रशासन, हमने पहले ही बोल दिया आपको कि हम इनके खिलाफ नहीं है, ना हमारे को बाजार समिति का नुकसान करना कोई मकसद नहीं है, बाजार समिति हमसे चलती और हम बाजार समिति से चलते, ऐसा कोई नुकसान नहीं, मगर सचिव साहब को जब हम मिलते हैं बाजार समिति के जी, तो उनका बोलना यह रहता मेरा काम नहीं है, तो आपका काम क्या है, सिर्फ यहाँ पर नाका वसूली करना, पैसा वसूली करना, पार्किंग वसूल करना, एक एक रिक्शा वाले है, एक रिक्शा वाले से गाड़ी का प्रति गाड़ी का 20 रुपये लिया जाता, अच्छा, तो तकरीबन एक गाड़ी वाला ये 200 गाड़िया वाले महीने को बाजार समिति को 1-2 लाख रुपए ये इनकम देते बाजार समिति को। अच्छा, बाहर से सीटर आते इसके उसके पैसे लेते क्या? सीटर रिक्शा का भी ये पैसा लेते हैं 20 रुपये प्रति गाड़ी, तो पावती देते का बगैर उसके पावती देते हो पावती उसको भी अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है वो गाड़ी, फिर भी पावती दी जाती है, और आपके पास इसके सबूत तो पूरे तरीके से मिल जाएंगे, सबको जो भी सबूत लगेंगे वो मिल जाएंगे, और दूसरी बात पूरे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हमारे मार्केट के, हमारा मार्केट बहुत अच्छा है और मार्केट में सभी तरह के सीसीटीवी फुटेज है और हर चीज़ मिल सकती है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं। तो थोड़े वाला पूरी बोल रहे कि तुम्ही कानून के खिलाफ बोलता है का करता है का आंदोलन, तर नहीं, आम्ही कानून के खिलाफ आंदोलन करत नहीं है, आम्हाला लोडिंग रिक्शा आम्ही ज्यावेळेस घेतली त्यावेळेस आम्ही आरटीओ मार्फत ट्रान्सपोर्टिंगचंच केलेलं आहे सगळं, आणि सीटर रिक्षा ज्यावेळेस तो खरेदी करतो तर आरटीओमार्फत त्याला सीटरचंच सीट व्हायचंच त्याला परवानगी भेटते, आता आम्ही त्या कानूनचे खिलाफ नाही करत काही आहे, आम्ही तुम्हाला आश्वासन देऊ शकतो। आणि दुसरी गोष्ट, तो जो रिक्षावाला आहे सीटर रिक्षावाला, तो जो अनलोड करतो त्याला प्रशासनानं थांबावं,
हीच आमची मांग आहे। आणि लोडिंग रिक्षावाले जे मार्केटमध्ये येतात आणि त्यांना जे हमाली करायला लावतात हे लोक, तर त्यांची ती हमाली थांबवावी। आणि हे जे प्रशासन आहे, ट्रॅफिक हवालदार असेल, तुमचे प्रशासनाचे पोलीस असतील दुसरे वगैरे, तर हे आमचे फोटो काढतात पाठीमागे। दोन माणसं जरी बसले असले सीटरमध्ये आपलं, सॉरी लोडिंगमध्ये, तर त्याचा फोटो काढतात, पावती पाठवतात 200 रुपयाची, आणि ओवरलोड असला तर 500 पाठवतात। तर मग मी असं सांगू शकतो तुम्हाला की बाबा, आम्ही ज्यावेळेस 2 माणसं मा पाठीमाग बसून घेऊन चाललो, ते मालावाले असतात, आमचे जे माल खरेदी करतात त्यांचे असतात ते, आणि हे जे लोडिंगची परवानगी नसतानासुद्धा माल घेऊन जातात, ह्यांचा फोटो कोण काढतंय का नाही काढत मला, मी पेपरला पाहिलं नाही आतापर्यंत, पण आमच्या लोडिंग रिक्षाचे फोटो आम्ही पेपरला पाहिलेले आहेत। त्यांना 200 रुपयाची पावती दिलेली आहे लोकांनी, तर हे कोणी करत नाही असं, तर त्याच्यासाठी आमची तुम्हाला चॅनलवाल्यालासुद्धा विनंती आहे की तुम्हीसुद्धा आम्हाला मदत करावी आणि व्यापार शासनानंसुद्धा आम्हाला मदत करावी। एवढं बोलून थांबतो, जय हिंद जय महाराष्ट्र। आज या लोडिंग रिक्षावाले जो सब यूनियन है यहाँ पे आके उन्होंने आंदोलन किया था कि सीटर रिक्शा ने कोई भी माल लोडिंग करना नहीं, क्या ये सब इनके सब यूनियन यहाँ आई हुई है, और उनका जो मांग थी वो सही थी, कुछ गलत नहीं थी। उन्होंने हमको लेटर भी दिया हुआ है कि यहाँ सीटर रिक्शा में कोई माल लोडिंग करना नहीं, और उनकी रास्ता मांगनी थी, इसलिए हम भी वो मांगने करके हम लेटर दे रहे, ट्रैफिक पुलिस को भी लेटर दे रहे और RTO को भी एक लेटर भेज रहे, और यह उनको जो सुविधा दे रहे लोडिंग रिक्शा वाले के एक अलग से स्टैंड बना के दे रहे, और जो शीटर रिक्शा है उसको भी एक अलग से स्टैंड बना के दे रहे, वहाँ पर उन्होंने गाड़ी खड़ी करना, और शीटर रिक्शा वाले ने खाली शीटर लेके जैसे जाना, कोई भी माल जो लोडिंग करके शीटर रिक्शे में लेके जाना नहीं। ऐसी बाजार समिति के तरफ से लीटर निकलने दे जाएगा, बोर्ड भी लगाएंगे, और आपकी मांग जो है वो सही है, उसको हम फॉलो करेंगे, और आपका यह जो आंदोलन करे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका आंदोलन यहाँ से ख़त्म करो, और धन्यवाद। ट्रैकर्स एंड ड्राइवर हेल्पलाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं वजीर इमाम शाह, जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारे पटौड़े साहब ने आज अपने को आश्वासन दिए, और उन्होंने जो भी अपने मांगे थे वो पूरी करें, उसके लिए अपन ये आंदोलन अभी पीछे ले रहे हैं। पटौड़े साहब अपने को थोड़े टाइम में लेटर देंगे, ये अपना आंदोलन आज समाप्त होएगा। जय हिंद जय भारत। इस तरह से आपने तमाम ये लोडिंग रिक्शा वाले, इनके बात को सुना, इनके जिम्मेदारों को सुना, रिक्शा ड्राइवर को सुना, आज हम पूरा प्रकरण हम खुद सुन रहे थे स्वयं। एक बात हमने महसूस की है कि इनकी बहुत बड़ी मांग नहीं है, इनकी सिर्फ इतनी मांग है कि गेट के बाहर जो है तो रिक्शा ठहरे और जो अपे लोडिंग वाले वो अंदर आए। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और जब मैंने इनसे ये सवाल किया कितने रिक्शे वाले हैं, तो 200 गाड़ी है। अब 200 के हिसाब से ये बहुत बड़े परिवार होते हैं, और हम शहर में देख रहे हैं, हमने इसी चैनल के माध्यम से पूरे शहर का कवर किया है कि शायद 17 तारीख को शहर में बहुत बड़ा मोर्चा निकले, यानी कि बाहर भी रिक्शे वाले परेशान, पौती फट रही है, और यहाँ पर ये परेशान, और ये संख्या अगर पूरी जोड़ ली जाए तो हज़ारों लाखों में चल जाती है। अब सवाल ये है कि जब गरीब जनता परेशान होगी तो ये लोग कहाँ जाए। और हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि बड़े बड़े ऐड आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े पेपरों में आ रहा है कि शासन आपल्या दरी, शासन आपल्या दरी। अब सवाल ये है कि शासन जब गरीबों के दर पे पहुंच रही है, दरी पे पहुंच रही है, तो फिर ये लोग खड़े हुए क्यों है। ये सवाल पूरे महाराष्ट्र सरकार पे आ रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि शासन आपल्या दरी, तो ये कहाँ खड़े हुए हैं, ये किसके दर पे खड़े हुए, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ के तमाम पॉलिटिकल नेता, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, ये आपकी भी एक बहुत बड़ी नैतिक जवाबदारी है कि आप सोशल मीडिया देखते हैं, पेपर में आता है, आपकी जवाबदारी बनती है वो समाचार पढ़ के आपको तत्काल आना चाहिए। जैसे आप चुनाव के टाइम आप आते हैं, बगैर बोले आते हैं, भाई दादा आदाब सलाम नमस्ते पैर छूते हैं, तो आपका आपका एक कर्तव्य बनता है कि जब ये भाई लोग मुसीबत में हैं, ये आपके मतदान है, ये आपके वोटर है, आपका कर्तव्य बनता है आप यहाँ पर आए, ये आपकी जवाबदारी है। याद रखिए, जनता बहुत होशियार हो गई है, ये व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, चंद दिनों बाद चुनाव आने वाले हैं, जनता साफ देख रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर बेड़ा गर्क हो जाए, या अगर काम करते हैं तो आपका कल्याण हो जाए। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। Come on!
सीटर रिक्शा बंद करो, बोलो सीटर रिक्शा बंद करो।